पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा शुक्रवार को 13 नगर निगम क्षेत्रों के कांग्रेस विधायकों की बुलाई गई बैठक फ्लॉप शो बनकर रह गई। सिद्धू ने पटियाला नगर निगम क्षेत्र के विधायक और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बैठक में बुलाया था, लेकिन न तो सीएम पहुंचे और न ही उनके समर्थक मंत्रियों ने ही बैठक में कोई रुचि नहीं दिखाई। कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत सिंह बादल और ओपी सोनी बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे, जबकि बलबीर सिंह सिद्धू कुछ ही मिनट में बैठक छोड़कर चलते बने। चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में शुक्रवार को यह बैठक 11 बजे बुलाई गई थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू खुद ही सवा घंटे की देरी से पहुंचे। बैठक में कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु, श्याम सुंदर अरोड़ा, कुलजीत सिंह नागरा के अलावा राजेंद्र बैरी, अमित विज, प्रगट सिंह और अश्वनी सेखड़ी समेत करीब दर्जन भर विधायक उपस्थित रहे। बैठक फ्लॉप होने का मुख्य कारण यह रहा कि पार्टी प्रधान ने आनन फानन में बैठक बुलाई। बैठक का कोई एजेंडा भी तय नहीं किया गया था। बैठक में पहुंचे किसी भी मंत्री और विधायक को यह मालूम नहीं था कि बैठक किस उद्देश्य या किस एजेंडे के चर्चा के लिए बुलाई गई है। पार्टी प्रधान सिद्धू ने स्थिति संभालने का प्रयास करते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों पर चर्चा होगी, लेकिन बैठक के दौरान घोषित एजेंडे के बारे में कोई भी विधायक तैयारी करके नहीं पहुंचा था और पूरी बैठक हल्की फुल्की चर्चा तक सिमट कर रह गई।